यहाँ तक कि हमारे संप्रदाय को छोड़ के जो अन्य संप्रदाय के लोग भी हुए हैं, सबने भजन कहाँ पे रह के किया है? वृंदावन में किया है, गोवर्धन में किया है, लेकिन मथुरा में तो कोई रहता नहीं। आपने मथुरा में मटकी बनाया, वो तो कंस की नगरी है। तो वहां पे हमारे परम गुरुदेव बोलते थे कि देखो हमने मथुरा में मटकी बनाया, क्योंकि उस समय वृंदावन जब आना होता था तूफान एक्सप्रेस से आएंगे भक्त लोग, उसी ट्रेन से जाएंगे। अब वृंदावन तो स्टेशन नहीं था, स्टेशन कहाँ पे था? मथुरा में। मथुरा में ही आना है और जब जाना है मथुरा से ही जाना है। कभी रात को ट्रेन पहुंच रही है 2 बजे, कभी सुबह 5 बजे की ट्रेन है। तो भक्त लोग क्या करते थे, जिसकी सुबह सुबह ट्रेन है रात को आके मथुरा में रुकना पड़ेगा, या रात को मथुरा में ट्रेन रुकी तो सुबह वृंदावन जाना पड़ेगा, रात को स्टेशन में रहना पड़ेगा। महाराज जी बोले कि मैंने मथुरा में मठ बनाया है भक्तों की सेवा करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी के चरण आश्रित जितने भी वैष्णव थे, सब लोग, सबकी गुरुदेव ने सेवा करी है, सब मथुरा मठ में आते थे। क्यों? क्योंकि वही स्टेशन था, वही से प्रसाद मिल जाएगा। इसलिए वही हमारे जो गुरुवरों का सिद्धांत है कि हमारे लिए मुख्य क्या है, वैष्णवों की सेवा। अब जब जयपुर में आते हैं तो जयपुर में हमारा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे भक्त लोग रह सके, प्रसाद पा सके। तो गुरु जी की प्रेरणा से और विशेष रूप से जब श्रीधर महाराज जी ने बहुत उत्साह दिया कि हाँ हाँ जयपुर तो गुप्त वृंदावन है, हमारा वहाँ पे एक मठ होना चाहिए, तो गुरुदेव की कृपा से और अन्य अन्य वैष्णवों की, विशेष रूप से श्रीधर महाराज जी की कृपा से, माधव जी प्रभु जी की कृपा से, हमारा भी यहाँ पे मठ अभी बन चुका है। फाइनल बस फिनिशिंग हो रही है, वरना तो हमने सोचा था कार्तिक के बाद ही, कार्तिक में बन जाता, कार्तिक के बाद ही उद्घाटन करते हैं, लेकिन किसी कारण से थोड़ा विलंब हो गया। अगली बार जब आप आओगे तो हम लोग जो प्रसाद पाएंगे और जो हरी कथा करेंगे अपने मठ में ही करेंगे। ठाकुर तो वृंदावन में भी है, ठाकुर तो अपना घर में भी है, लेकिन हम लोग इतने दूर से वृंदावन से रहते हैं, वृंदावन से, लेकिन हम लोग इतने दूर से फिर यहाँ पर क्यों आए? प्रश्न होता है ना, हम इतने रात भर सोए नहीं, जग करके सवेरे फिर हम इतने कष्ट करके इतना दूर क्यों आए? देखो ये जो राधा गोपीनाथ है, इनको किसने प्रकाशित किया है, इनकी इतना महिमा, इनका इतना महिमा क्यों, कारण क्या है? यदि इनका इसलिए इतना महिमा, जिन्होंने ये ठाकुर जी को प्रकाशित किए हैं, इन्होंने साक्षात कृष्ण दर्शन किया है, उन्होंने कृष्ण को साक्षात, किसने बोले? श्री उत्तरा। किसने? उत्तरा। उत्तरा कौन थी? कहते श्री अभिमन्यु को मां थी ये उत्तरा देवी। हरे कृष्ण। इसलिए ये ठाकुर जी को जिसने दर्शन किया ना, उन्होंने बनाया। इसलिए जो माता उत्तरा थी, ये बड़ी कृष्ण की, कृष्ण दर्शन की है, कृष्ण की बड़ी प्यारी प्यारी मीठी मीठी कथा सुनाया करती थी। किसको बोले? बज्रनाभ को। जब मीठी मीठी कथा सुनाती थी, एक दिन बज्रनाभ ने मचल गया, बोले दादी जी जो कृष्ण कन्हैया की तुम इतने मीठी प्यारी प्यारी कथा सुनाते हो, मेरी दादा की थोड़ा उनको दर्शन कराओ। बोले तो वो तो चले गए, बोले तुमको मैं मूर्ति बना करके मैं दर्शन करा दूं। बोले ठीक है। उन्होंने अच्छे अच्छे कलाकारों को बुलाए, उन्होंने कृष्ण को दर्शन किया, कृष्ण कैसे 3 जगह से टेढ़े हैं, गले में कैसे त्रिवली पड़ी हुई, कैसे कृष्ण मीठी मीठी बंसुरी बजाते हैं, सर पर कैसे मोर पंख है, बड़ी सुंदर उन्होंने कृष्ण की वर्णना की। बोले ऐसे ही एक मूर्ति बनाओ। उसी समय में जितने अच्छे अच्छे मिस्त्री लोग थे, उन्होंने सारे कला उसमें लगा दी, सारे विद्या। जब उन्होंने एक ठाकुर जी बन गए, बोले देखो आपने जैसे बताया मैंने ठीक वैसे ठाकुर को बनाया, देखो तो कैसे। उत्तरा ने तो कृष्ण दर्शन की ना, कृष्ण को दर्शन की, उन्होंने ठीक से देखा, देखते देखते बोले देखो ये ठाकुर जी में ना, ठाकुर का बक्ष स्थल जैसे है, ये ठाकुर जी की बक्ष स्थल जैसे ये मूर्ति बनाए। फिर ये ठाकुर का नाम रख दिया, क्या नाम रख दिया? ये गोपीनाथ नाम रख दिया है। बोले श्री गोपीनाथ जीव की जय। कहते जो ये गोपीनाथ को दर्शन कर लेना, बोले कृष्ण का साक्षात बक्ष स्थल दर्शन करने का फल मिलेगा। बोले और एक विग्रह बनाओ, और एक विग्रह बनाए। जब विग्रह कंप्लीट ही हो गया, बोले देखो ये ऐसे बना कि नहीं? बोले नहीं, कृष्ण का संपूर्ण कलेवर नहीं आया, कृष्ण का जो मुखारविंद है इसमें केवल कृष्ण की मुखारविंद आए। इसलिए जिसमें ठाकुर का मुखारविंद आए, वो ठाकुर जी का नाम रख दिया, श्री गोविंद नाम रख दिए। बोले श्री गोविंद भगवान की जय।
श्री गोविंद जी, इसलिए हमारे रूप गोस्वामी कहते बोले खबरदार कभी भी मथुरा में भूल से भी मत जाया करो। अगर कभी भूल से मथुरा चले गए ना, याद रखो कभी वृंदावन में तो प्यार पंडित नहीं चाहिए। अगर भूल से अगर वृंदावन चल भी गए, वो कहते खबरदार गोविंद जी को कभी दर्शन मत किया करो, गोविंद जी को कभी दर्शन मत किया करो। बोले क्यों भैया, हम तो इसलिए वृंदावन ही श्री गोविंद गोपीनाथ जी को दर्शन करने के लिए। वो संत रूप गोस्वामी कहते हैं भैया एक बार उनको दर्शन करोगे ना, वो तीन जगह से जो टेढ़े है ना, कोई सीधा चीज अगर अंदर में चले जाए निकल जाएगा, लेकिन अगर कोई टेढ़ा चीज अंदर में चले जाए ना, वो फिर निकलेगा नहीं। और जो कृष्ण तीन जगह से टेढ़े हैं, अगर एक बार दिल में बैठ गए ना गोपीनाथ, तुम्हारे दिल से निकलने वाले नहीं। बोले खबरदार, की जो तेरे से चितवन है, वो तेरे से चितवन नहीं तीर है। जब एक बार किसको दर्शन करते हैं, अगर तीर इस पार से उस पार हो जाएगा फिर, इसलिए पूरे फैर तुम दुनिया में किसी के संत कहते हैं। बोले खबरदार, उनको जो सर पर जो मोर मुकुट है, मोर मुकुट में कभी दर्शन मत किया करो। बोले क्यों, बोले एक बार उनका अगर दर्शन कर लिया मोर मुकुट वाला को, ये दुनिया में और किसी को देखने की इच्छा नहीं रह जाएगी तुमको, है देखने की इच्छा नहीं रह जाएगी। इसलिए कहते स्वरूप नयन हरे केहो नाही घर फिरे। वो सबको सावधान कर रहे हैं, जितने गृहस्थ सबको सावधान करते। बोले खबरदार, ये गोपीनाथ और गोविंद जी को मत देखा करो। बोले क्यों, बोले एक बार अगर उनको दर्शन कर लिया ना, फिर तो राधे राधे बोल और उसे वृंदावन में, फिर तो तुम ये संसार में किसी चीज में मन नहीं लगेगा। अगर पत्नी देख लिया ना, वो पति को छोड़ देगी। अगर पति अगर देख लिया, वो पत्नी को छोड़ देगा। अगर बच्चा देख लिया तो पिता माता को भूल जाएगा। अगर पिता माता देख लिया ना, वो बच्चे को भी भूल जाएगा, क्योंकि उनको दर्शन करने के बाद फिर किसी डिस्ट्रिक्ट को